वेलकम टू द चैनल अगेन। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी बायोलॉजिकल टॉपिक, कोई नहीं बात कर रहे हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, जो कि स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं, कमेंट्स में भी सवाल करते हैं, ऐसे भी सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उनके सवालों के जवाब दूंगा। वो एजुकेशन के बारे में, कि स्टडी पढ़ने के हवाले से, कि स्टडी इफेक्टिवली कैसे किया जाए, किस तरह से स्केड्यूल बनाया जाए। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आपको सवाल भी बताऊँगा, उसके लिए फिर मैं उसका हल भी बताता हूँ कि कैसे इसको टोटल को क्लियर करना है आपको, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन से होते हैं? एक तो सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि हम किस तरह से स्केड्यूल बनाएं एजुकेशन पढ़ने के लिए, स्केड्यूल कैसे बनाएं जो हम अच्छी तरह से पढ़ पाएं, ठीक है, मेडिकल की, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और रेगुलर क्लासेस के लिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो होता है स्टूडेंट्स के जहन में, वो जो पूछते हैं मुझसे, वो सवाल ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम कोई सवाल करने बैठते हैं या कोई चीज़ हमें कोई टीचर हमसे पूछता है तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते, उस टाइम भूल जाते हैं, ये क्यों होता है, ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि हम इतने सारे सब्जेक्ट्स, चार सब्जेक्ट्स जो हैं वो 2 सालों के हम कैसे याद करें, इतने सवाल, इतने सब्जेक्ट्स हम कैसे याद कर सकते हैं। तो उन सब के सवालों के जवाब मैं दूंगा आज आपको इस वीडियो में। आप जुड़े रहिए, आखिर तक वीडियो देखिएगा, आप बहुत अच्छी वीडियोस में, इस वीडियो में टिप्स मिलती जाएगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी मेन थिंग ऑफ दी वीडियो। मेन थिंग जो है यहाँ पे वीडियो की ये है कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए। स्टडी करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ जहन में रखनी है वो है हमारा एम, ठीक है। ये अक्सर करके जो वजूहात होती हैं, ये जो सवालात होते हैं, वो अक्सर करके फर्स्ट थिंग जो है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा एम क्लियर नहीं होता, एम हाई नहीं होता, ठीक है। हम सब सिर्फ सोच कर बैठे होते हैं कि एंट्री टेस्ट अगर हमने कर ली तो ठीक है, पास हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको बहुत अच्छी तरह से एम रखना है, अपना एम जो है हाई लिखना है, करना है। वो कहते हैं ना कि एम फॉर द मून, इफ़ यू विल नॉट रीच द मून, टारगेट फॉर द मून, ठीक है, टारगेट करना है मून के लिए, अगर आप इस पर रीच नहीं कर पाते तो यू विल बी देयर इन द स्टार्स, ओके। आपको आसमान में मून को टारगेट करना है, एक कहावत है, ठीक है, अगर आप उस पर नहीं पहुंच पाते तो इवेंचुअली आप स्टार्स में पहुंच पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट, अगर आपने एम हाई कर लिया है तो इवेंचुअली आप पास ज़रूर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है, आपको हाई एम रखना है तो आपके जहन में और पूरे जो है आपकी ब्लड में एक जज्बा होगा, आप पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। और जज्बा हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है कोई चीज़ का करने का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके लिए कोई भी स्केड्यूल हो, आइंस्टाइन आके आपको पढ़ा ले, कोई भी न्यूटन आपको पढ़ा ले, ठीक है, कोई भी बायोलॉजी का एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ा ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आपके खुद के अंदर जज्बा नहीं है, आप पढ़ने की जो है एक जुस्तजू नहीं है, लगन नहीं है। लगन होना ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए। सो नो, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर पॉइंट, दैट कोई भी चीज़ बनाने के लिए, देखो आप एम बड़ा रखा है, ठीक है, एम बड़ा रखा है तो उसके लिए प्लान भी बड़ा करना पड़ेगा। प्लान करने के लिए हमें कोई भी चीज़, देखो हम दुनिया में जो भी काम करते हैं वो प्लान के साथ करते हैं, कि कोई जगह बनानी है तो भी प्लान बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। इसी तरह से हम एजुकेशन का पढ़ने जब बैठते हैं तो हम इसका प्लान क्यों नहीं बनाते? मेन जो हम पूरी ज़िंदगी बनाने वाले हैं, अपने करियर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए प्लान बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप प्लान बना लें कि आप अपने आप को 10 साल बाद क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। इधर आप डॉक्टर, किस चीज़ का डॉक्टर देखना चाहते हैं? जस्ट डॉक्टर नहीं देखना चाहते, आपको जो है स्किन का डॉक्टर स्पेशलिस्ट कहा जाएगा पूरे बदीन, पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर यहाँ का बदीन डिस्ट्रिक्ट है, आपका हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी दुनिया पूरी जहाँ का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका नाम करना है या पूरी दुनिया में आपको नाम करना है, तो अपने आप को देखें, उसका प्लान, फिर उसका प्लान बनाएं, ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज़ देख के आते हैं कि भाई इस तरह का बंगला मुझे चाहिए, तो उसके लिए आप प्लान करते हैं, फिर आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, फिर उस तरह से एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको भी एजुकेशन का अपने के लिए, खुद के लिए एक प्लान बनाना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, इफ़ यू फेल टू प्लान इट मीन्स देन यू हैव प्लान टू फेल, ठीक है। अगर आपने प्लान बनाने में फेल हैं, अगर आपने प्लान नहीं बनाया या प्लान बनाया है गलत बनाया है, तो ऐसा है कि
आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले जो है ये चीज़ आपको प्लानिंग होना ज़रूरी है एजुकेशन के लिए, ठीक है। प्लानिंग के लिए आपको सबसे पहले अभी अभी आज से ही आपको प्लान करना है, ठीक है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अभी न्यू स्टार्ट लेना है यहाँ से, ठीक है। आज ही आप जाके फर्स्ट चीज़ ये करें कि अपने आप से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लें, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लें खुद से, 4 सब्जेक्ट बनाएं, अपने दोस्त को कहें कि वो टेस्ट बनाए आपके लिए, जो आपको ना बताए कि कौन से क्वेश्चन दे रहा है वो, क्या कुछ दे रहा है, या खुद ही बना लें, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो हैं वो आप 4 पोर्शन बनाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। 4 मेन सब्जेक्ट्स जो हैं आप उसको टेस्ट बनाएं, 20-25% हर किसी का पोर्शन हो, ठीक है। फिर आप उसका टाइम रख के, उसका प्रॉपर टाइम रख के 2 आवर्स या जो भी आपको चाहिए, वो 2 आवर्स जो कितना भी जो है आपको टाइम चाहिए, उसमें आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। अटेम्प्ट करेंगे जब आप, तो अपने आपको पता चलेगा, फिर आप जो रिजल्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा किस एरिया में आप ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो उस एरियाज में वीक, जो जिस एरिया में वीक है आप, उस पर अब आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। तो उस तरह से आप अपने आपको जांच पाएंगे कि आप किस चीज़ में वीक हैं, तो उसके लिए फिर ज़्यादा मेहनत करनी है। हम अक्सर करके ये करते रहते हैं, जो जिसमें चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट होती है वो ही करते रहते हैं, नहीं। आपको ये चारों चीज़ें, चारों सब्जेक्ट्स बैलेंस करके लेके जाना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अब आपको स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। स्केड्यूल बनाना है, स्केड्यूल के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, 4 चीज़ें होनी चाहिए। 4 चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो, ये 4 चीज़ें आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, ठीक है। अब स्केड्यूल जो बनाना होता है कि किस तरह से स्केड्यूल बनाना है और कितने टाइम स्टडी किया जाए, ठीक है। इसके मैं आंसर दे रहा हूँ आपको कि ये देखें, ये जो सवाल है इसका आंसर हर बंदे को डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। अब इसका ये आंसर है आपको, मैं यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर बंदे का स्केड्यूल सिस्टम अलग होता है। देखें, हर किसी की अपनी काबिलियत होती है, हर किसी का अपने असेसमेंट उस किसी ने लिए, हर किसी का सब्जेक्ट अपना वीक होता है। अगर आपका फिजिक्स वीक है तो पहले आप फिजिक्स रखें, ठीक है। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो पहले आप केमिस्ट्री को रखें यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप 4 का पोर्शन बना लें, उसमें आप जो एरिया आपका वीक है सबसे, उसके लिए पहले वो जो है एरिया रखें। और स्टडी का टाइम कितना होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम जो होता है वो ओनली 30 मिनट्स होता है। 30 मिनट से ज़्यादा आप नहीं पढ़ना कोई भी चीज़, ठीक है। अच्छा, 30 मिनट्स के बाद आपको कोई भी 5 मिनट का ब्रेक देना होता है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, इस तरह से 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाना होता है, फिर चौथा सब्जेक्ट उठाना होता है, इसी तरह से साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब इसके दौरान आपको क्या करना चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए आपका स्टडी का, स्टडी करने के लिए प्रॉपर माहौल होना। देखिए, आप कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, कोई ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, उसमें भी तवज्जा चाहिए होती है, ठीक है। अभी आप ड्राइविंग नहीं कर रहे, कोई गाड़ी नहीं चला रहे, आपकी पूरी ज़िंदगी अपनी चलानी है, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी चलानी है, आपके पूरे कंट्री की जो है ज़िंदगी चलानी है। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपके हाथों में बहुत सारे मरीज होंगे, ठीक है, पूरी हॉस्पिटल होगी, तो उसकी चलानी है आपको उस तरह से। तो ये बड़ा प्लान है आपका, कोई सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अभी इस तरह से स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल बनाने के बाद अब देखो स्टडी कहाँ पे करनी है, ये सबसे बड़ा सवाल मेरे पास आता है कि किस तरह से करें, कहाँ पे करें। तो उसके लिए आप अपने घर के अंदर बेस्ट जगह, जहाँ पे आपको नज़र आए, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एयर हो, कुदरती नेचुरली एयर हो, ठीक है, और लाइटिंग ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। उसके अलावा कहीं पे भी स्टडी नहीं करनी। हम बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि सोते वक्त भी हम पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उस तरह से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। अब ये दूसरी बात ये है कि मल्टीटास्किंग कभी भी नहीं करनी पढ़ने के दौरान, मल्टीटास्किंग, नेवर डू मल्टीटास्किंग। मींस अगर आप चाहे पढ़ने के दौरान जो है आप मोबाइल भी चला रहे हैं, आप जो है कंप्यूटर से भी सर्च कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ सर्च कर, नहीं, कभी भी ये चीज़ नहीं करना। आप भले आपके पास लैपटॉप मौजूद है, कुछ भी मौजूद, लेकिन वहाँ पर स्टडी नहीं करनी आपको। जस्ट और जस्ट जो है यहाँ बुक्स जो है आपको वही, क्योंकि एंट्री टेस्ट जो होती है या आप जो पढ़ रहे हैं एंटर लेवल तक, वो इसी से आती है, इसके अलावा हटके नहीं आती। तो आप वहाँ पे उलझ जाएं, विकिपीडिया, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन आएगा आपको एंट्री टेस्ट में वही जो आपके
जो है प्रोविंस के अंदर जो बुक्स के अंदर दिया गया उसी से टेस्ट आएगी, उसी के अलावा टेस्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने अभी कहा आपको कि प्रॉपर जो है प्लान करना है, प्लान में स्केड्यूल बनाना है, स्केड्यूल फिर उसके बाद जो है एरिया आपको सेट करना है, एरिया सेट करना है, प्रॉपर टेबल हो आपके पास, ठीक है, इस तरह से टेबल हो, और आपके पास चेयर हो। चेयर हमेशा हार्ड होनी चाहिए, कभी भी नरम चेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल चेयर नहीं होनी चाहिए। हार्ड चेयर होगी तो आपको एक्टिव रखेगी, कंफर्टेबल चेयर, हमें पता है कि हम जब भी किसी सोफे पे बैठते हैं पढ़ने के लिए तो नींद आ जाती है। ये क्यों नींद आती है? अगर आप किसी भी हार्ड चेयर, हार्ड जो है एरिया पे बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो यही वजह होती है, कंफर्टेबल जोन में से निकलें बाहर, बाहर निकल, जितना आप चैलेंजिंग लेंगे, जितना हार्ड काम करेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि टेबल पे, अब जब आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हो, फिजिक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चार बनाने हैं स्केड्यूल में, अब उस सब्जेक्ट के लिए आप ज़्यादा टाइम रख लें, भले 40 मिनट्स रख लें, ठीक है, बाकी जो है सबके लिए कम कम सब्जेक्ट रख लें, टाइम रख लें, ठीक है। इसके लिए आप और भी ज़्यादा टाइम रख सकते हैं कि जो वीक एरियाज आपके जिस सब्जेक्ट में हैं, जिस क्लास के अंदर है, उससे आप इम्प्रूव करने के लिए उसका भी अलग से टाइम रख लें। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आप रख रहे हैं, फिजिक्स आपकी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 9th की मेट्रिक की वीक है, तो मेट्रिक के लिए अलग से टाइम रखें, ठीक है, और इसके लिए अलग से आप टाइम रखें। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठना है वो सिर्फ वही सब्जेक्ट हो, उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा मैं, केमिस्ट्री की ही बुक्स रखनी है वहाँ पे, ठीक है, एक बुक केमिस्ट्री की रखनी है, नोट्स रखने हैं, ठीक है, उसी के रखने हैं, उसके अलावा कोई, और पेन सिर्फ एक यूज़ करनी है, पेंसिल या एक पेन। अगर ज़्यादा पेन्स होंगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे कलरफुल कोई चीज़ बनाना शुरू करेंगे, ये भी डिस्टर्बेंस होगा पैदा। अगर आप अपने सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट रखते हैं, तो फिर आपका माइंड यही कहेगा साइकोलॉजिकली कि वो थोड़ा ईजी है, वो पढ़ लेता हूँ, इसको बाद में पढ़ूंगा, तो फिर आपका स्केड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से आपको नहीं करना, ठीक है, इस तरह से आपको स्केड्यूल लेकर चलना है। जब आपको 5 मिनट जो फ्री ब्रेक मिल रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कभी भी मोबाइल नहीं यूज़ करना। जब मोबाइल आप खोलते हो तो नोटिफिकेशंस आती है, नोटिफिकेशन आती है, फिर दूसरे नोटिफिकेशन पे जाते हैं, इस तरह से फिर आप वेट करते हैं कि दूसरा नोटिफिकेशन क्या होगा, इस तरह से पूरा स्केड्यूल आप बेकार। आप बिल्कुल सोशल को टाइम दें, उसके लिए अलग से मखसूस टाइम रखें, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको टाइम मखसूस है, ये किसी को ना दें, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आप ऐसा इसको इम्प्रूव करने के लिए आपका मैसेज फ्रेंड का, भले क्लोज फ्रेंड है उसका आपको मैसेज आता है, लेकिन आप उसको रिप्लाई ना करें, दो लेट रिप्लाई करने की आदत रख लें। जब आप लेट रिप्लाई करने की आदत रख लेंगे तो वो भी बंदा समझ जाएगा कि ये बंदा बिजी है, और दूसरी बात यह है कि आपको उसी टाइम आपके दिमाग में नहीं होगा कि भाई उसका मैसेज आएगा, उसका रिप्लाई दे दूँ, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये भी होता है बच्चों को कि हमारे पास स्टडी इन्वायरमेंट नहीं होता, शोर भी होता है, तब भी हम स्टडी कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी में ऐसे भी दोस्त होते थे जो बहुत ही ख़राब हालात में भी, जब म्यूज़िक भी चल रहा होता था, पार्टीज़ भी होती, तभी भी स्टडी करते थे, वो भी टॉपर्स बन गए। वो उसके लिए क्या करें, आप जो है वाइट म्यूज़िक, रिमेंबर वाइट म्यूज़िक, गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे, तो आपको वाइट म्यूज़िक मिल जाएगा। वाइट म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक है जिसमें एक कांस्टेंट एक ही तरह का आवाज़ मिलता है, जो उससे फिर आप हैंड फ्री में म्यूज़िक को सुनते रहें और आपकी स्टडी में ध्यान होता रहेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट टिप है इसके लिए। सो अनदर टिप इज़ दैट, जो भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, पहले आप सिर्फ रीड आउट कर लें, उसको मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें। रीडिंग का तरीका बेस्ट ये, जस्ट उसको रीड आउट कर लें, फिर उसकी मीनिंग निकालें, फिर उसको आप नोट्स में लिखें, ठीक है, नोट्स में लिखें, जो फिर आप जो कॉलेज में जो आपने सुबह पढ़ा है उसको पढ़ें, ठीक है। अब दूसरा जो दूसरी जो मेन पॉइंट ये है कि जब क्लास, दूसरी क्लास होगी, कल होगी, तो उसका आप पहले से पढ़ लें, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लें, तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ध्यान रहेगा उसी में, और अपने नोट्स बनाएं। ये जो बच्चे कहते हैं, ये सवाल जो था कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका जो है हमारे जहन में याद नहीं रहता, जब भी हम कोई चीज़ सवाल आता है तो उसको हम कर नहीं पाते, आंसर नहीं दे पाते, इसका क्या आंसर है? इसका यही आंसर है कि आप लिखते नहीं हैं। जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। कॉन्सेप्ट मैप्स बनाएं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि सेल साइकिल की, सेल साइकिल आप सेल साइकिल लिखें ऐसे, ठीक है। सेल साइकिल को फिर दो ब्रांचिंग में लें, एक इंटरफेस, दूसरा हो गया एम फेज, ठीक है। फिर इंटरफेस को फिर ब्रांचिंग में लें, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। फिर एम फेज को आप जो डिवाइड करें इसके, इसमें कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरोकाइनेसिस के फिर डिवाइड करें प्रोफेज, बेटा फेज, एना फेज, चिलोफेज, और इस तरह से कौन से मैप जब आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। दूसरा, और नेमोनिक्स बनाया करें। नेमोनिक्स क्या होते हैं, ये बच्चे कहते हैं कि हम बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स हैं,
हम कैसे स्टडी करें, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए स्मार्ट वे ये है कि आप नेमोनिक्स बने, डोंट डू हार्ड वर्क बट डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क बने, जैसे कि ला जरा पानी दे दे, ठीक है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, ठीक है, डायकेनेसिस, डिप्लोटिन डायकेनेसिस, ठीक है। तो ये क्या नेमोनिक हो गया, प्रोफेस वन जो है मियासिस वन का, उसका ये नेमोनिक हो गया। इस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नेमोनिक बना ले आपको इजी रहेगा बहुत। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस तरह से दूसरी भी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, ये हमारा पार्ट वन कहेंगे हम, और पार्ट टू भी बनेगा। आपको कोई भी सवाल हो तो यहाँ नीचे कमेंट्स में ज़रूर जो है लिखा करें, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो ये टिप्स थी, मैंने आपको आज समराइज़ करता हूँ पूरी वीडियो को, कि सबसे पहले आपके अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। जुनून के साथ ही हर चीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। और दूसरी बात ये कि प्लान बनाना है कि किस तरह से आप उसको एम को अचीव करने चाहते हो, ठीक है। देखिए, जैसे हमें CSS करना है ना, हाई अचीव करना है ना, कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए आपको जस्ट MBBS होना पड़ेगा। MBBS होना ये टारगेट हो गया, शॉर्ट गोल, ठीक है। MBBS होने के लिए आपको MBBS पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए एंटी टेस्ट पास करनी पड़ेगी। एंटी टेस्ट पास करने के लिए आपको डेली रेगुलर टेस्ट में पास होना का। और मेन चीज़ आपको ये बताऊं कि जो आप पढ़ते हो ये जो स्केड्यूल के हिसाब से, और उसके बाद हर हफ्ते के अंदर अपने आप से टेस्ट लिया करो, ठीक है। जब आप टेस्ट लेते हो तो अपने आप को असेस कर सकते हो, फिर उसमें जो आपकी अच्छी मार्क्स अगर आती हैं तो अपने आप को रिवार्ड दो, ठीक है, ट्रीट दो। कभी घूमने चले जाओ, कभी अपने आप पे खर्च कर लो, ट्रीट दे दो, ठीक है। इस तरह से आपको जो ना हौसला अफजाई होगी और आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह ऐसी और भी लेक्चर्स बनाता रहूँगा, और बायोलॉजी में भी स्पेशली कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वी विल बी देयर। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।